हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेम एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी यह वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम जो स्टेम है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं और साथ में ही जो मॉडिफिकेशंस है इस स्टेम के जो मॉडिफिकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले, जैसे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, एरियल मॉडिफिकेशंस हैं और सब एरियल मॉडिफिकेशंस हैं, तो उनके बारे में सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो 11th क्लास एनसीईआरटी था, उसमें हमने स्टेम का जो पॉइंट है वो डिस्कस किया था। तो इसमें हम कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर नोट कर लेते हैं और उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉफिक होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टेम है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉफिक होते हैं। तो पहला पॉइंट है नेगेटिव जियोट्रॉफिक। ठीक है, या हम इसको हिंदी में लिख देते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इस रूप जो स्टेम है इनका डेवलपमेंट किससे होता है, इसका डेवलप होता है प्लूमूल से। तो उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये कोई जर्मिनेट सीड का एम्ब्रियो है और उसमें ये क्या है, कोटिलेडन्स हैं दो। ठीक है, ये वाला पार्ट अपर पार्ट ये क्या है, यह है प्लूमूल। प्लूमूल और ये वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये रेडिकल है। जो प्लूमूल है ये आगे डेवलपमेंट इसका आगे डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, प्लूमूल आगे डेवलप होकर शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा या स्टेम का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां आप लिख लेते हैं शूट सिस्टम या हम कहें स्टेम का फॉर्मेशन करेगा। जो रेडिकल है वो आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेगा, वो आगे डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा या रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, रूट सिस्टम। ठीक, या रूट्स। यहाँ पर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो स्टेम का डेवलपमेंट है किससे होता है, प्लूमूल से। ठीक है, और रेडिकल से डेवलपमेंट किसका होता है, रूट का डेवलप होता है। रूट कौन सी रूट, टेप रूट का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हमने जो रूट्स हैं उनमें उसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाकर हम इसको भी लिख लेते हैं, स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लूमूल। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक हो गया, पॉइंट हो गया। उसके बाद जो स्टेम में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं नोड होती है, इंटरनोड होती है, और कुछ बड्स भी प्रेजेंट होती है जो कि हमें इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो हम उसके लिए भी उनको भी कवर कर लेते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट बना के लिखते हैं स्टेम बियर्स नोड इंटरनोड और बड्स। ठीक है, बड्स कौन कौन सी है, बड्स है टर्मिनल बड, और एंड एक्सिलरी बड। ठीक है, ये हमारे पास कुछ अभी हम इनके सब पॉइंट्स बनाकर हम इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा।
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नोड क्या होती है, या हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हमें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहां पर एक हम छोटा सा स्टेम बनाते हैं, ये को स्टेम है, ठीक है, और ये स्टेम है हमारा। तो नोड वाला पार्ट वो होता है जहां पर किसी लीव का फॉर्मेशन होता है, या हम कहें किसी लीफ का फॉर्मेशन होता है, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को नोड कहते हैं। तो ये वाला पार्ट, और यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ, एक लीव बन गया यहां पे, ठीक है, ये हमारा लीव है, डाइकोट सीड है, इसलिए हमें इसमें वेनेशन भी कर लेते हैं, रेटिकुलेटेड वेनेशन इसमें, अभी जब हम लीव पढ़ेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह ये स्टेम आगे बढ़ा और इसमें एक और लीव का फॉर्मेशन हो गया यहां, ठीक है। तो यहां पर जिस जगह पर या जिस जगह पर किसका फॉर्मेशन होता है, लीव का फॉर्मेशन होता है, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को कहते हैं नोड, ठीक है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ, लीव का, या लीव बनी है यहां पर, तो इसी जगह को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम नोड, ठीक है। और दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंटर नोड। यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो पार्ट है, इसे क्या कहेंगे, इंटर नोड, ठीक है। उसके बाद इसमें बड्स भी प्रेजेंट होती है। बड्स कहां पर प्रेजेंट होती है, जो जिस बड का डेवलपमेंट कहां पे होता है, नोड पर होता है। यहां पर ये बड है, ये कोई बड है, अगर यह बड है, ये कौन सी बड है, यह है एक्सिलरी बड, ठीक है। और जिस बड का फॉर्मेशन स्टेम के टर्मिनल पर होता है या टिप पर होता है, यहां पर कोई किसी बड का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, उस बड को क्या कहते हैं, उस बड को कहते हैं टर्मिनल बड, तो ये हमारे जो चार पॉइंट थे, ये हमारे, इनके बारे में यहां पर हमने डिस्कस किया, ठीक है। जो जहां जिस जगह पर लीव का फॉर्मेशन होता है, या लीव का जहां पर जन्म होता है, उस जगह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नोड। और दो नोड के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, या जो दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है इंटर नोड। और जो जिस बड का फॉर्मेशन स्टेम के टिप पर होता है, उसको कहते हैं टर्मिनल बड। और नोड पर, लीफ नोड पर जिस बड का फॉर्मेशन होता है, उस बड को कहते हैं एक्सिलरी बड, ठीक है। तो यही पॉइंट्स हैं, इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज में बनाकर लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है नोड। नोड क्या होते हैं, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, ठीक है, वो जगह क्या होगी, वो नोड होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटर नोड, द स्पेस, सॉरी, पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच का पोर्शन क्या होता है, इंटर नोड होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बड्स का, कौन सी बड है, टर्मिनल बड। टर्मिनल बड
डेवलप फ्रॉम द टिप ऑफ द स्टेम, ठीक है। उसके बाद एक्सिलरी बड, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लिप, लीफ नोड, एट द स्टेम, ठीक है। यहां पर हमने डिस्कस किया जो नोड है वो क्या होती है, जहां पर लीव्स बोन, लीव्स का फॉर्मेशन होता है, जहां पर लीव्स बोन होती है वो स्पेस क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। पोर्शन होता है दो नोड्स के बीच में, वो क्या होता है, इंटरनोड होता है। और इंटरनोड जो टर्मिनल टिप ऑफ स्टेम पर होती है। उसके बाद जो ऑक्सिलरी बड है वो ऑक्सिलरी बड कहां पर, लीफ नोड पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ स्टेम्स, ठीक है। स्टेम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ स्टेम, सबसे पहला स्टेम फंक्शन तो यही है कि जो स्टेम है वो फूल पत्तियों सभी को संभाल कर रखता है, ठीक है, केरी करके रखता है फ्लावर को, फ्रूट्स को, लीव्स को। तो पहला पॉइंट यही है सिंपल सा। बियरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ जो स्टेम है वो मॉडिफाइड होकर किसका स्टोर कर लेते हैं, फूड का स्टोरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें जो मॉडिफाइड है स्टेम है वो क्या है, पहला है पोटैटो है, जिंजर है या अदरक, ये मॉडिफाइड स्टेम है। और इसके बाद टर्मरिक या हम कहें हल्दी, तो ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है। आगे हम जब इसका टॉपिक पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें यहाँ पर हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, जो स्टेम है वो वाटर का, मिनरल्स का और जो फोटोसिंथेसिस होते हैं उनको कंडक्ट करने का काम करता है। कैसे करता है ये हम अभी देख लेते हैं। तो पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, इट कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेटिज, फूड, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहां पर 2 मिनट का समय दे देते हैं ताकि हमें ये चीजें समझ में आ जाए। इट कंडक्ट, ये कोई प्लांट है, सिंपल सा प्लांट बना लेते हैं, ये कोई प्लांट है, ठीक है। यहां पर ये एक कोई लीव्स है, ठीक, और यहां पर ये थोड़े रूट्स हैं इसके, ये रूट्स हैं। आप सब जानते हैं कि जो वाटर है
वो कहाँ होता है, वो सोइल में प्रेजेंट होता है, ये सोइल है। ठीक है, जो वाटर है वो रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, और जो मिनरल्स होते हैं वो भी कहाँ पर होते हैं, वो भी सोइल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और यहाँ से ये सारे प्लांट में ट्रांसफर किए जाते हैं या कंडक्ट किए जाते हैं। किससे? प्लांट से कंडक्ट किए, सॉरी, स्टेम से कंडक्ट किए जाते हैं, इनको रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, पहला तो हुआ स्टोर मिनरल का कंडक्ट। दूसरा होता है कि जो लीव होती है उसमें एक प्रोसेस होती है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसको कहते हैं हम फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, हम सिंपल से लैंग्वेज में कहें तो CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि फूड होता है प्लांट के लिए। तो CO2 और H2O किसका फॉर्मेशन करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। वो ग्लूकोज का जो ग्लूकोज है वो एज ए ट्रांसफर होता है सुक्रोज के रूप में। ठीक है, ग्लूकोज किसके रूप में ट्रांसफर होता है, कंडक्ट होता है सुक्रोज से, ये चीज हम आगे समझ लेंगे इसको। तो यहाँ से जो ग्लूकोज है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरी जगह पर, यहाँ से स्टेम से किसी यहाँ पर किया जाता है, यहाँ से जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट यहाँ से लेकर कहाँ, रूट्स तक किया जाता है। ठीक है, तो यह कंडक्ट कौन करता है, यह कंडक्ट करने का काम स्टेम करता है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में देखा था। ये सारी चीजें जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब सारी चीजें अच्छे से डिटेल में हम देख लेंगे, अभी हम जस्ट यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, सपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब यहां पर सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है, इसको हम ज्यादा अभी यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन इसका हम सिंपल सा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की फॉर्म होती है, या फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है ग्राफ्टिंग और बडिंग बस। ठीक है, यहां पर हम इसको इस शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स अभी कवर हो जाएंगे 2 मिनट। तो यहां पर हमने फंक्शंस के बारे में की थी, फंक्शंस क्या होते हैं, बियरिंग लीव्स, जो लीव्स हैं फ्लावर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको संभाल कर रखता है। ठीक है, दूसरा फूड का स्टोरेज करता है, जैसे कि पोटेटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, कंडक्ट वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म होती है जिसमें प्लांट रूट स्टेम और लीव से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि कुछ इसके ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, ये सारे जो रिप्रोड्यूस वो किससे होते हैं, वो रूट होते से, सिस्टम से या लीव से। ठीक है, ये क्या होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और
इसमें हम ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम कुछ जो पार्ट है उसको यहीं पे एक छोटा सा पार्ट ऐड कर लेते हैं, जिसके क्वेश्चंस बनते हैं फॉर्म ऑफ स्टेम्स, फॉर्म ऑफ स्टेम। ठीक है, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं स्टेम्स के, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला होता है कोडेक्स। कोडेक्स क्या होता है? कोडेक्स एक फॉर्म होती है स्टेम की, जिसमें आप इस प्रकार का कोई स्टेम होता है। ठीक है, उसमें यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर लीव्स प्रेजेंट है, और यहां पर जो लीव्स हैं उनके निशान प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अनब्रांचेस्ड इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्टेम एंड मार्क्ड विद स्केयर्स ऑफ फॉलन लीव्स। ठीक है, यह एक प्रकार का स्टेम होता है, जिसमें पहले तो अनब्रांच्ड होता है, दूसरा इरेक्ट होता है, सीधा होता है, और सिलिंड्रिकल होता है, और इस पे जो लीव्स हैं वो जब गिरती है, ये वाली लीव्स आगे चलकर यहां पर एक निशान बन जाते हैं, निशान से बन जाते हैं, स्केल्स मीनिंग निशान। ठीक है, यहां पर लीव्स के क्या बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, इस टाइप का स्टेम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उस स्टेम को कोडेक्स फॉर्म कहते हैं स्टेम की। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है पाल्म ट्री। ठीक है, उसके बाद सारे फर्न्स आते हैं इसके अंदर, फर्न्स हैं एंड साइकस, साइकेड्स, सॉरी। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है वो होती है कल्म। ठीक है, कल्म, कल्म क्या होती है इसके बारे में कुछ, जॉइंटेड स्टेम्स, जॉइंटेड, पहले तो इसमें जॉइंट प्रेजेंट होंगे, दूसरा प्रेजेंट होगा एंड सॉलिड, ठोस होगा दूसरा, एंड होलो इंटरनोड। इस प्रकार का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, वो पहले तो जॉइंटेड स्टेम होगा, ठीक है, दूसरा सॉलिड होता है और होलो होता है, या उसके जो इंटरनोड होते हैं वो कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। जैसे कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये कोई स्टेम है और ये उसके इंटरनोड है, ठीक है, ये सॉलिड है और उसके जो इंटरनोड है वो कैसे होते हैं, वो होलो है या खोखले हैं, इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो जो इस प्रकार का जो स्टेम होता है वो क्या होता है, वो कल्म होता है। आप इसको देख के कुछ याद आया एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है बैम्बू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म है वो होती है थर्ड नंबर पर एक्स करंट।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मेन स्टेम है वो इनडिफाइनेटली ग्रो करता है और जो उसकी साइड ब्रांच है वो एक्रोपिटल मैनर में ग्रो करती है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटे से डेफिनेशन लिख लेते हैं। मेन स्टेम ग्रो इनडिफाइनेटली एंड साइड ब्रांच ग्रो इन एक्रोपिटल मैनर। यहां पर जो प्लांट है उसके स्ट्रक्चर किस प्रकार, जो उसका स्टेम होता है मेन जो स्टेम होता है, ठीक है, जैसे कि ये सोइल है, यहां पर जो मेन स्टेम है वो काफी इनडेफिनेटली ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद जो उसके लीव्स होते हैं वो एक्रोपिटल मैनर में ग्रो करते हैं। तो इस कॉनिकल शेप के जैसा बन जाता है उस टाइम। ठीक है, तो इस प्रकार का जो शेप होता है, फॉर्म होती है, वो क्या होती है इस टाइम, वो एक्सकरंट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके, कोनिफर्स जैसे पाइनस है और केजुराइना है। उसके बाद जो लास्ट वाला है फॉर्म है वो है डेलुकेसेंट। डेलुकेसेंट कौन सी फॉर्म होती है, जो आप नॉर्मल ट्री देखते हैं, पेड़ है जैसे कि पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसमें क्या है कि जो लेटरल जो ब्रांच होती है, ठीक है, वो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाती है और उसमें कोई सेंट्रल एक्सिस नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार का ब्रांचेशन क्या होता है, यहां पर हम सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। फोर्थ कौन सा है इसका, पहले हम डेलुकेसेंट, ठीक है, अगर हम डायग्राम बनाएं तो सिंपल सा इस प्रकार का इस प्रकार का जो ग्रो होता है वो कौन सा है, डेलिक्यूसेंट फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। एमोड ऑफ ब्रांचिंग इन विच ट्रंक डिवाइड इंटू मैनी ब्रांच हैविंग नो सेंट्रल एक्सिस। इसमें कोई सेंट्रल एक्सिस नहीं होती और इसके जो ब्रांच है वो काफी अलग अलग डिवाइड हो जाती है। तो यहां पर हमने जो फॉर्म्स है या जो इस ब्रांचिंग का जो मोड है उसके बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया। तो यहां से फर्स्ट में हम एक बार देख लेते हैं इनको। इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है एक्सियल ग्रुप, या हम इस वीडियो को अगर करें तो काफी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम यहाँ पर इतना सा ही काफी है।
फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आसानी से सारी चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। तो जो कोडेक्स जो फॉर्म होती है, कोडेक्स फॉर्म में क्या होता है कि जो ब्रांच जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड होता है, ठीक है, सीधा इरेक्ट होता है। दूसरा सिलेंड्रिकल स्टेम होता है जिस पर जो फॉलन लीव या जो गिरी हुई जो पत्तियां होती है उनके निशांस होते हैं। यहां पर देखो, यहां पर आप समझ सकते हैं, यहां पर एरो बनाकर हम लिख लेते हैं, ये क्या है, स्केल, स्केल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं पाल्म, पाल्म ट्री है, फर्न्स हैं और साइकेड्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट है जो कलम है, इसमें क्या होता है, जो स्टेम हो वो जॉइंटेड होता है, ठीक है। स्टेम कैसा होता है, जॉइंटेड स्टेम होता है, सॉलिड होता है वो, और इसके इंटरनोड कैसे होते हैं, इंटरनोड कैसे होते हैं, होलो होते हैं। यहाँ पर आप जो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये नोड है, और यहां पर इसके पत्तियां भी प्रेजेंट होती है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये है इंटरनोड, ठीक है। और इसका एग्जांपल है बंबू, और उसके बाद एक्सकरंट है, एक्सकरंट में जिसमें मेन स्टेम है वो कैसा अनडिफाइनेटली ग्रो करता रहता है, और साइड साइड ब्रांचेज है वो एक्रोपिटल मैनर में ग्रो करती है, ठीक है। जैसे कॉनिफर्स है, पाइनस है, केजुराइना है। उसके बाद डेलिक्वेसेंट, जो अब नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ ब्रांची की फॉर्म आप देखते हैं जिसमें जो मेन एक्सिस है वो उसका कोई सेंट्रल एक्सिस नहीं होता, और ब्रांच जो मेन ट्रंक है वो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यह है डेलिक्वेसेंट फॉर्म। इसका एग्जांपल और है, एक से एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, जो आप जो भी आपको इस शेप में आप पेड़ देखें, जैसे कि बनियन है, मैंगो ट्री है, ठीक है, ये सारे हैं, पीपल है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये डेलिक्वेसेंट के हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में भी आप देख समझ सकते हैं कि क्या कहना यहां पर ये एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम में कुछ थ्योरी बनती है तो आप उसे जरूर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और वीडियो जरूर शेयर करें अभी अपने सभी दोस्तों को। और अगर आपको वीडियो है प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई इसमें कोई गलती हो तो वो भी प्लीज़ बताएं ताकि हम उसे करेक्शन कर सकें, ठीक है। थैंक यू।